हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल योर न्यू डायरेक्शन। आज जो मैं वैकेंसी लेकर आया हूँ वो SBI में वैकेंसी आई हुई है और यहाँ पर आप DGM एंड क्रेडिट एनालिस्ट की कुछ पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो जो भी उम्मीदवार SBI में नौकरी करना चाहते हैं और इच्छुक हैं, काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि स्टेट बैंक में जॉब आए, तो उनके लिए अच्छा मौका है और इसमें क्वालिफिकेशन भी कुछ ज़्यादा है, तो जो भी अभ्यर्थी हैं आवेदन कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें, जो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है इस भर्ती की, वो क्लियर कर दूंगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि बाद में फिर वीडियो को आप लाइक करना भूल जाएंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, तभी आपको इस तरह के जो लेटेस्ट वीडियो है या जो नई वैकेंसी आ रही है उनके वीडियो जैसे ही अपलोड होंगे उनके आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और अपडेट रह सकेंगे। आपकी कोई नई वैकेंसी आई है तो उसमें आप आवेदन करेंगे। फिलहाल आज जो हम वैकेंसी की बात कर रहे हैं, SBI में जो वैकेंसी आई है इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो इसमें कुल मिलाकर 7 पदों के लिए लगभग वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर जैसे कि DGM एसेट की निकाली गई है, मैनेजमेंट की वैकेंसी है, DGM कैपिटल प्लानिंग की वैकेंसी निकाली गई है, क्रेडिट एनालिस्ट की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, और यहाँ पर आपका क्रेडिट जो एनालिस्ट की है उसमें 3 पदों के लिए वैकेंसी है, और इसी प्रकार से देखा जाए तो कुल 77 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ये SBI में आई है। ऑनलाइन आवेदन इसके लिए आपको मांगेंगे अक्रॉस इंडिया, आप कहीं के भी रहने वाले हो इसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट हो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेट अगर यहां पर देखें तो 22 जुलाई से इसके लिए आपको आवेदन शुरू हो गए हैं और 12 अगस्त तक, यानी कि 12/8 तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, और जो इसकी फेस पेमेंट है वो भी आप 12 अगस्त तक ही जमा कर सकते हैं। तो ये अगर आप फॉर्म भरने के इच्छुक हैं, जिसके लिए आपको कुछ फीस भी देनी पड़ेगी, तो फीस जैसा कि और जो जनरल कैटेगरी के हैं या OBC कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं या EWS कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो इनको ₹750 पेमेंट करनी रहेगी। SC हैं या ST हैं या PH कैंडिडेट हैं तो आपको ₹125 यहाँ पर पेमेंट करनी रहेगी। पेमेंट आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई चालान किसी भी माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। SBI की जो ब्रांच होती है आपके आसपास वहाँ से भी आप इसका चालान निकलवा कर वहाँ से जमा कर पाएंगे, ये भी आपके पास एक तरीका रहेगा। दूसरा, यहाँ पर अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अलग अलग पोस्ट के अनुसार यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है, और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ क्रेडिट एनालिस्ट की अगर बात करें तो आपको CA MBA होना यहाँ पर अनिवार्य है और 3 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें आपको मांगा गया है, वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपका यहाँ पर DGM जो वैकेंसी है असिस्टेंट लेवल मैनेजर की, तो इस पर आपको CA यहाँ पर मांगा गया है, 15 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रखा गया है आपको। तो कुल मिलाकर जो भी वैकेंसी यहाँ पर किसी भी पद की अगर बात की जाए तो किसी में आपको मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस वर्किंग का आपको होना चाहिए। इसके जो फुल नोटिफिकेशन है उसमें आप इसकी जो क्वालिफिकेशन है पदों के अनुसार वो बहुत अच्छे से आप रीड कर पाएंगे। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से आप अच्छे से इसको रीड कर पाएंगे और समझ पाएंगे वहां से। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अगर उम्र सीमा की, तो मिनिमम अगर आपकी उम्र 23 वर्ष है और मैक्सिमम 35 वर्ष है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और उसमें जो OBC कैंडिडेट हैं, जो रिजर्व कैटेगरी होती है यानी कि SC ST OBC, इनको छूट भी यहाँ पर दी जाएगी। और सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर रिटर्न और इंटरव्यू के आधार पर आपका किया जाएगा। मिनिमम सैलरी जो है वो ₹32,000 यहाँ पर आपकी रखी गई है। ठीक है, तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन है, अलग अलग पोस्ट के लिए है, ठीक है, आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। DGM के लिए अलग आवेदन है और अदर पोस्ट के लिए अलग आवेदन है। दोनों चीज़ों का लिंक आपको वीडियो के नीचे अप्लाई ऑनलाइन नोटिफिकेशन करके आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करिएगा, फुल डिटेल देख लीजिएगा, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे से उसको रीड कर लीजिएगा, उसके बाद वहीं से आप उसको आवेदन भी कर पाएंगे। सारा प्रोसेस है, कुछ भी अगर आपको ना समझ में आए वहाँ पर वेबसाइट पे, या मैंने जो बताया कुछ भी ना समझ में आए तो आप वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी कमेंट कर सकते हैं, चैनल की वेबसाइट है तो आपको वहाँ पर रिप्लाई जरूर दिया जाएगा और आपका सहयोग किया जाएगा जो भी आपको समस्या होगी। तो आज के इस वीडियो में इस वैकेंसी की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इतनी थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई हुई होगी अपडेट, जो सारी समझ में आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इसी तरह के जो लेटेस्ट वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी साथियों को जय हिंद।